दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पे एक गार्ड डॉग सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बिल्कुल एक सही वीडियो पे आए हैं, जिसपे मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। अगर आपको ये डॉग चाहिए तो वो कहां से मिलेगा वो भी बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बखरवाल ब्रीड के बारे में। ये बखरवाल ब्रीड को काफ़ी नाम से जाना जाता है, जैसे कि बखरवाल मैस्टिफ, गुज्जर डॉग, गुज्जर वॉच डॉग, कश्मीरी शीप डॉग, कश्मीरी बखरवाल डॉग, कश्मीरी मैस्टिफ। ये इतने सारे नाम कहाँ से आते हैं? बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि भाई इसे गद्दी ब्रीड बोला जाता है, ये इंडियन ब्रीड है। बहुत से लोगों के मिथ हैं इस ब्रीड के ऊपर। मैं आज आपको पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूं। बखरवाल जो कुत्ता है ये उत्तर भारत का कुत्ता है, यानी कि ये जो कुत्ता है वो हिमाचल का कुत्ता है, और ये एक प्राचीन कामकाजी भारतीय नस्ल है, जो कि काफ़ी दहाकों पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था एज ए प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन कैसे करते थे वो भी बता देते हैं, जो कि लद्दाख के अंदर आपको ये बखरवाल कुत्ता आपको विशेष रूप में भेड़ और बकरियों की रखवाली करते हुए हिमाचल में काफ़ी जगह पाया जाता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ लोग अपने खेतों की प्रोटेक्शन करवाते हैं इस कुत्ते से, और घरों की रक्षा करने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग जो भारतीय पुलिस द्वारा भी किया जाता है, जब आतंकवादियों को पकड़ना होता है ना, तो ये कुत्ता काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ पर। और ऐसे कई दहाकों तक जो बखरवाल ब्रीड है ये गुज्जर समुदाय के साथ जुड़ी चलती आ रही है, क्योंकि एक गुज्जर कम्युनिटी थी तब के दौर पे, आज भी है, बट आजकल वो इतना मूव नहीं होते, उन्होंने अपने पक्के घर बना लिए हैं। तब क्या होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तब अपने परिवार की रक्षा के लिए और साथ ही साथ अपने सामान की और अपने गांव की रक्षा के लिए इन कुत्तों का इस्तेमाल करते थे। तब ये जो नस्ल थी बखरवाल नस्ल काफ़ी बड़ा रोल अदा करती थी। जबकि बखरवाल कुत्ता मुख्य रूप में भारत में पाया जाने वाला पहला कुत्ता है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कम संख्या में पाया जाता है, बट इसकी डिमांड पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा है। हालांकि अन्य विद्वानों का कहना है कि ये जो ब्रीड है ये अलोप होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर। बट कुछ ब्रीडर हैं जो अभी भी इन ब्रीड्स को रेडी कर रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें, मैं बताऊंगा जरूर आपको इस ब्रीड को अलोप होने के कारण क्या रहे, वो क्या थे कि इस ब्रीड को एक बीमारी हो गई थी जिसे हम रेबीज के नाम से बुलाते हैं। उन समय में तब से इस ब्रीड को कम होते 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 हम देखते आ रहे हैं, और साथ ही साथ इन्हें टारगेट किया जाता था आतंकवादियों की तरफ से, क्योंकि ये काफ़ी अलर्ट होते थे, अपने मालिक को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करते थे, तो ये उन्हें सिग्नल दे देते थे कि आप पे कौन सा पर्सन या फिर कौन सा जानवर आप पे हमला करने वाला है। तो ये काफ़ी अलर्ट रहते थे ऑल द टाइम, और क्लेवर डॉग है ये। अगर मैं इसे पर्सनली बताऊं कि ये डॉग होता कैसा है, तो बखरवाल एक शक्तिशाली भारी हड्डी का कुत्ता होता है, और देखने में ये काफ़ी एक्टिव नज़र आएगा आपको। ये एक फुर्तीला और मजबूत नस्ल का कुत्ता है, और ये हाँ कभी भी आपसे अटैक कर सकता है, और ये अपने मालिक के साथ काफ़ी फ्रेंडली होता है। ये तिब्बती मैस्टिफ की तरह दिखने वाला कुत्ता है, ये ज़्यादातर काले रंग में होता है और बहुत से रंग होते हैं इस कुत्ते के। और इसे खाने में जो पसंद है वो मैं अगर बताऊं तो ये शाकाहारी खाता है। वैसे लोग इसे चिकन वगैरह या मांस मच्छी दे देते हैं, बट इसे डाइजेस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं डाइट की बात करूं तो इसे दिन में 4 मील पसंद है, अदरवाइज ये इतना अच्छे से ग्रो नहीं करता, और ग्रूमिंग इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इसे ग्रूमिंग नहीं देंगे, क्योंकि ये डबल कोट का कुत्ता है, तो इसकी कोट जो है वो ख़राब हो सकती है। अगर आप इस कुत्ते को लेना चाहते हैं तो पहले इसकी मैं स्पेसिफिकेशंस बता दूं कि इसका वजन कितना होता है। अगर वजन की बात करूं तो ये 70 से लेकर 90 किलो तक का हो सकता है। हाइट इसकी 24 से लेकर 30 इंच होती है। डबल कोट में ये कुत्ता होता है, और इसके काफ़ी सारे कलर होते हैं, जैसे कि ब्लैक, टैन और ट्राई कलर। अगर लीटर साइज़ की बात करें तो एक साल में ये एक ही लीटर देता है, और इसके लीटर का साइज़ जो होता है वो 1 से लेकर 3 पपी हो सकता है। और लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 12 साल तक जी सकता है कुत्ता। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मालिक की लोकेशन में आपको बता देता हूं। जो लोग इनकी ब्रीडिंग पंजाब के अंदर करते हैं, मैं बात कर रहा हूं बखरवाल डॉग कैनल, जो कि पटियाला के अंदर है। इनके पास एक ब्लैक कलर के अंदर फीमेल अवेलेबल है पपी, जो कि नए घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इन्हें से डायरेक्ट कॉल करें। नंबर है इनका 9465835623। आपको स्क्रीन के ऊपर भी नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चल के इनका नंबर ले सकते हैं। मैं आपको प्राइस भी बता देता हूं, बट उससे पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, अगर
आप एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है प्राइस की। फाइनली प्राइस इसका जो रखा गया है वो है 15,000, बट आपके लिए 1,000 कम हो जाएगा अगर आप हमारे चैनल की रेफरेंस देते हैं। तो कॉल कीजिए ओनर को, ये आपको डॉग मिलने वाला है 14,000 के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगे ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।